देखो यार, ट्रैफिक तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है वहाँ पे आगे, और सनसेट भी हो गया है ऑलमोस्ट। तो सू चाले पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल। हूँ रुपेश चावड़ा, और आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ खास दिखा नहीं पाया हूँ, सच बता रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि आज का रास्ता था यार, देखो हम शिमला से मनाली की तरफ जा रहे हैं, मनाली तक जाने का रास्ता अच्छा है, लेकिन दिखाऊँ क्या रास्ते में, क्या दिख रहा है, पूरी वादियाँ हंसी वादियाँ तो है नहीं, कुछ ऐसा बर्फ़ गिरा नहीं था, पूरा सूखा पड़ा था, तो दिखाने का कुछ है नहीं। अगर आपने पिछले कल की कुफरी की वीडियो नहीं देखी है तो कुफरी की वीडियो भी आ जाएगी आज, और शिमला की वीडियो भी नहीं देखी, दोनों यहाँ पे पॉपअप में आ जाएगा। क्योंकि शाम को मैं पहुँच जाऊँगा होटल को पहुँच के लैपटॉप खोल के आसानी से एकदम सब एडिट कर दूँगा, क्योंकि फ़ोन से हर एक चीज़ ऑपरेट नहीं हो रही है यहाँ पर। सो डन विद द लगेज एंड हम भी रेडी हो चुके हैं। सुबह के बज रहे 7:30। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ द 24 ऑफ द दिसंबर, और आज का दिन है यारो जश्न का। हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं, ये हमारा टेंट था, स्पेशलाइज टेंट। आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वीडियो के एंडिंग के अंदर मैंने पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से ये कहाँ पे मुझे अपग्रेड मिला, और आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो, और क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस जगह पे मिल पाएगी। ठीक है, अभी जाते हैं, इसका लगेज अपन लोड करेंगे, और क्योंकि आज पूरा दिन जर्नी करने वाले हैं हम लोग, तो बहुत ही अमेजिंग डे होने वाला है आज का। इट्स प्रीटी कोल्ड आउटसाइड एक्चुअली, अमेजिंग वाला ठंड लग रहा है यहाँ बाहर की ओर। वो मेरा कल में जहाँ पे रुका था वो मेरा स्टे है, और ये वाला हमारा होटल है। होटल का लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप फटाफट से क्लिक पे लिंक पे चेक करिएगा। ठीक है, जाग चुके ओम भैया। सर ठंड के बारे में बताओ थोड़ा। हमें ठंड नहीं लगता यहाँ पे। हम तो लोकल हैं यहाँ के, हमें ठंड लगता है यहाँ पे ना। बढ़िया बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया, मतलब सुबह की ठंड ऐसी करारी वाली है ना। तो भाई नाश्ता ख़त्म करके हम लोग निकल रहे हैं अभी, आज हम जा रहे हैं मनाली की ओर, जो रास्ता है बहुत लंबा, हम अभी शिमला में जाएंगे मनाली। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बस एक छोटी सी झपकी ली हो और वो मस्त ऐसी नींद में बदल गई? भाई हुआ ऐसा ही है। ठीक है, मैंने सोचा कि घाटिया में है, ठीक है घाटियों में गाड़ियाँ चल रही है, तो देखते आराम से, मतलब थोड़ा सा एक साइड टाइम लेते हैं। सुबह सुबह एडिटिंग कर रहे थे 5:30 बजे, तो फिर देखा कि साला ये तो 2.5 घंटा हो गया, अभी क्या करें। तो 2.5 घंटे से मैं सोया पड़ा था लास्ट सीट के अंदर, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं, और जस्ट फ्रेश अप एंड मतलब मस्त एकदम नींद छोटी सी होगी मेरी। ये रास्ता जा रहा है पूरा मनाली को जाता है, शिमला से मनाली का रास्ता बहुत ही अच्छा है वैसे, लेकिन आपको बस गाड़ियों में से गाड़ी निकालनी है और फिर हाईवे पे आओगे तभी रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे एक पहाड़ी कुत्ते के साथ, ठीक है आसानी से मिल जाते हैं जो रोड पर, लेकिन आपको मैं दिखाऊँगा कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से व्यू कैसे मिलते हैं। तो वहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से मिलता है, पूरा पूरा ऐसा व्यू है, अच्छा खासा व्यू है यहाँ पे वैसे। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था इस हीरो के साथ। ए तेरे को बोल रहा है, सुना दे रहा है क्या? ए गायतुंडे सुनना, और पास और दूसरा नैप भी कंप्लीट हो गया, जो कि अच्छी खासी नींद हो गई है मेरी अभी। जो भी रात का जो गैप लगा था आपने एडिटिंग का, वो सारा मुझे लगता है अभी तक तो कवर हो चुका है। अभी है 200 किलोमीटर जितना बाकी, 190 किलोमीटर जितना बाकी। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट सीट वाला बॉडी रोल जो है बहुत हैवी है, सबके लिए बहुत ही हैवी पड़ रहा है पूरा का पूरा जर्नी, जो कि लंबा चौड़ा ये लोग बता रहे वैसे तो अपन तो यूज्ड टू है इससे, लाइक सबको कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ हो रहा है, कुछ का माथा पकड़ गया है, वैसा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वही सब थोड़ा थोड़ा वार्म अप करें, बीच बीच में रोक के थोड़ा थोड़ा चल फिर ले तो उसमें थोड़ा सा सेटल हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइव करेंगे तो फिर ऐसे सबको वॉमिटिंग हो जाएगा एक साथ ही।
अभी हम फंसे पड़े हैं यहाँ पे मनाली जाने के रोड पे, पीछे ट्रैक्टर जैसा जो आवाज़ आ रहा है वो है बोलेरो का, ठीक है। अभी रूट लंबा चौड़ा ऐसे, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आपको क्या ही बताऊँ मैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम कितना लंबा चौड़ा है। पीछे से आए उस तरफ से पूरा घूम के यहाँ पे जाम लगा हुआ है इस छोटी सी जगह की वजह से, यहाँ पे ट्रक फंसा था, छोटी सी वन वे जगह है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे भी लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है दूर तक, और यहाँ से भी ज़रा जाम लगा है, दूर दूर तक लगा है भाई। अगर गिनती करवा दो तो अराउंड 1 किलोमीटर तो आसानी से जाम लगा ही लगा है दोनों तरफ। तो इधर की ओर जहाँ पे थोड़ा आगे आया वहाँ पे मैं 20 गाड़ियाँ आराम से गिन रहा हूँ यहाँ से, और ये आगे बस खड़ी है जहाँ पे JCB चल रहा है वहाँ पे हम खड़े थे, और उससे भी पीछे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत सारा, मतलब इस ओर वालों की तो मतलब ख़त्म ही है, उनका तो रात हो जाएगा गाड़ी के गाड़ी के अंदर, ठीक है, हमारा तो फिर भी गाड़ी निकल जाएगा, उनका तो फंस गया पूरा। सो ट्रैफिक में से निकल कर हम लोग आए हैं यहाँ पे ढाबे पे, और ढाबे पे मैं तो यहाँ पे देखो मस्त आग सेक रहा हूँ, यहाँ पे मस्त एकदम जला हुआ आग है, एकदम बढ़िया से सेक रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑलरेडी मनाली में हूँ भैया भी यहीं पे है, ठीक है, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सारे, बाकी सारा थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं, उन लोगों को भूख ज़्यादा लगी हुई है, अपन सुबह एकदम दबा के नाश्ता करके निकलते हैं। 12 बजे से पहले हम पहुँच पाएंगे मनाली, क्योंकि ट्रैफिक भी मिला रास्ते में और ठंड भी इतना है और सब कुछ, मतलब ट्रैफिक बहुत है आजकल मनाली में, आज यार देखो क्रिसमस के दिन आ रहे हैं, ठीक है, 31st भी आ रहा है, सारा क्राउड जा रहा है मनाली की ओर,